अब हम सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे आए हुए हैं, जो अपना बेसिकली गॉज और लिनो का कंपेरिजन है, वो हम डिज़ाइन वाइज समझेंगे। वे इसमें क्या है, सबसे पहले क्या है, जो हमने ड्राफ्टिंग प्लान बनाया हुआ है, ड्राफ्टिंग प्लान हम देखते हैं। ये अपना ड्राफ्टिंग प्लान है, जिसमें एक डॉप है, फ्रंट क्रॉसिंग हील, बैक क्रॉसिंग हील, स्टैंडर्ड हील, ठीक है। जो अपना ब्लैक कलर का थ्रेड है, वो अपना है क्रॉसिंग थ्रेड, और जो अपना डॉटेड टाइप का थ्रेड है, वो अपना है स्टैंडर्ड थ्रेड। सबसे पहले ड्राफ्ट और डिज़ाइन वाइज हम पैक प्लान बनाएंगे, ध्यान देने की ज़रूरत है, सारे लोग ध्यान देंगे। ये समझ में आया तो आगे स्पेशल क्लास लीनो भी बहुत आसानी से समझ सकते हैं सारे लोग, तो ये बहुत अच्छे से समझना है हमें। हम सबसे पहले पहला पिक लेके चलते हैं। पहले पिक में जो अपना क्रॉसिंग हैंड है, क्रॉसिंग हैंड पिक के ऊपर से है, मतलब क्रॉसिंग हैंड अप है और पिक डाउन है, ठीक है ना। जब क्रॉसिंग हैंड अप है और हम इसको हील्ड फ्रेम से देखते हैं, तो ये जो क्रॉसिंग हैंड है वो किस हील्ड फ्रेम के प्लान में आ जा रहा है, डाउप और फ्रंट क्रॉसिंग हील्ड के प्लान में जाना है, उसे हमें अप बनाना है। तो इसका मतलब क्या है, जो अपना अगर हम शेड पीछे हमने जो हमने शेड याद किए हुए थे उसमें चलते हैं, तो इसमें क्या है, हमें हमें इसको जो क्रॉसिंग एंड को हमें अप करना था। पहला वाला शेड देखते हैं, क्रॉसिंग एंड अप है और क्रॉसिंग एंड अप है और हमारा डाउप स्ट्रक्चर और फ्रंट क्रॉसिंग हील्ड से जा रहा है। देखना पहला वाला अगर हम पिक को देखते हैं, तो डाउप अप है, फ्रंट क्रॉसिंग हील्ड अप है और जो बॉटम क्रॉसिंग हील्ड है वो डाउन है, स्टैंडर्ड क्रॉसिंग हील्ड वो डाउन है, ईजर काम कर रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो प्लान है वो डाउप और फ्रंट क्रॉसिंग हील्ड के का प्लान है, और साथ में ये क्रॉसिंग एंड को अप भी कर रहा है। अब इसमें देखा, देखते हैं इसमें देखेंगे, इसमें हमें क्रॉसिंग एंड अप चाहिए था, लेकिन हमारा हील्ड फ्रेम फ्रंट क्रॉसिंग हील्ड और डाउप है, तो हमारा प्लान कौन सा रहेगा, पहला वाला। तो इन्होंने क्या लिया, डाउप को अप किया, फ्रंट क्रॉसिंग हील्ड को अप किया और ईजर को अप किया। ईजर क्यों अप किया, क्योंकि क्रॉस शेड बन रहा था, याद है बैक में हमने अभी जाके गए थे, हमने बॉटम डाउप मेथड पढ़ा हुआ था। तो इस तरीके से पहले पिक का हमारा क्लियर हो गया, ऐसे ही पहला पिक सारे में है, वही इन्होंने रिपीट किया हुआ है। अब हम दूसरे पिक पे चलते हैं। दूसरे पिक में क्या किया है इन्होंने, जो अपना अपना जो क्रॉसिंग एंड है वही अप है, क्रॉसिंग एंड अप है दूसरे पिक में, और लेकिन जो डायरेक्शन है वो बैक क्रॉसिंग हील्ड शाफ्ट की डायरेक्शन है, ये ऊपर है, ये बैक क्रॉसिंग हील्ड शाफ्ट की डायरेक्शन है। अब हमें क्रॉसिंग एंड को अप रखना है और बैक क्रॉसिंग हील्ड शाफ्ट को लेके चलना है। अब हम फिर से बॉटम डाउप मेथड में जाएंगे कि हमारा ऐसा कौन सा प्लान है जो अपना बैक क्रॉसिंग हील्ड शाफ्ट के द्वारा बनता है और साथ में क्रॉसिंग एंड को अप रखता है। बैक में फिर से गए, हमने अब प्लान देखना है, ये जो अपना दूसरा वाला प्लान है इसमें क्या है, जो अपना बैक क्रॉसिंग हील्ड है वो काम कर रही है, डाउप काम कर रहा है और साथ में ये क्रॉसिंग एंड को अप कर रहा है। तो हमारा दूसरा वाला प्लान क्या रहेगा, डाउप अप है, बैक क्रॉसिंग हील्ड अप है और फ्रंट क्रॉसिंग डाउन है और स्टैंडर्ड भी डाउन है और ईजर काम नहीं करेगा क्योंकि ओपन शेड है, दूसरे वाले शेड के इक्विवेलेंट है। आप बैक में जाके देखेंगे दूसरा वाला शेड जो इसका पिक होगा, मतलब इसका पिक कौन सा है, दूसरे वाले शेड का पिक ये वाला है, तो हमने वही यहाँ पे कॉपी किया हुआ है, वही कॉपी किया हुआ है। अब जो चौथा वाला पिक है वो पहले वाले पिक के इक्विवेलेंट है, इसमें जो चौथा वाला है वो पहले वाले इक्विवेलेंट है, और सॉरी जो तीसरा वाला है वो पहले वाले के इक्विवेलेंट है, चौथा वाला दूसरे वाले के इक्विवेलेंट है। ये बीब हमारी कंप्लीट हो गई। ये वाली जो बीब है, मैंने क्या बताया था, जो
गॉज वीव है वो हर पिक पे क्रॉसिंग देती है। गॉज वीव में जो क्रॉसिंग एंड है प्रत्येक पिक पे क्रॉस होगा तो हम उसे हम गॉज वीव करेंगे कहेंगे, ये गॉज वीव है। अब हम चलते हैं सेकेंड नंबर की वीव, जो जिसे हम लीनो किसे कहेंगे। लीनो वीव में क्या होता है जो क्रॉसिंग है वो हर पिक पे क्रॉसिंग नहीं होती है। अब फॉर एग्जांपल अब हम इसमें लेते हैं पहला वाला पिक जो डॉटेड निशान है, पहला वाला पिक को ध्यान देते हैं। पहला वाला पिक कौन सा है जो ध्यान देने की ज़रूरत है, ये पहले वाले पिक में क्या है क्रॉसिंग एंड जो अपना स्टैंडर्ड एंड है, स्टैंडर्ड एंड साइड से है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और जो अपना क्रॉसिंग एंड है वो अप है, क्रॉसिंग एंड अप है, और किस डायरेक्शन में अप है वो डॉप और फ्रंट हील शाफ्ट की डायरेक्शन में अप है। डॉट का निशान देखिए यहाँ, इसको हम बड़ा कर देते हैं पहले, ये डॉट का निशान है, इसमें जो क्रॉसिंग एंड है वो अप है, और ये डायरेक्शन कौन सी है डॉप और फ्रंट हील शाफ्ट वाली डायरेक्शन है। इसका मतलब हमारा पहला वाला जो हमने बॉटम डाउपिंग का पहला वाला जो क्रॉस शेड बना था वो बनेगा, तो हमारा डाउप अप होगा, फ्रंट हील शाफ्ट अप होगा, और ईजर हमारा काम करेगा। ये समझ में आता है। अब हम दूसरे वाले पिक पे चलते हैं। दूसरे वाले पिक में जो क्रॉसिंग है, क्रॉसिंग एंड ने क्रॉसिंग नहीं दी है, ये डाउन ही है, और जो स्टैंडर्ड एंड है वो अप है। जो दूसरा वाला पिक को हम देखते हैं ये वाला, इसमें क्रॉसिंग एंड डाउन है और स्टैंडर्ड एंड ये अप जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा शेड है जहाँ स्टैंडर्ड एंड अप होता है और क्रॉसिंग एंड डाउन होता है, तो हम अभी हम वहाँ जाके देखेंगे बैक में। ये अपना जो तीसरे वाले को हम देखते हैं तो इसमें क्या है क्रॉसिंग एंड डाउन है सारे, ये स्टैंडर्ड एंड अप बना रहा है, तो तीसरे इस वाले शेड के लिए प्लान कौन सा है दूसरा जिसमें सिर्फ स्टैंडर्ड एंड अप होता है, तो हम इसी को इस पिक में डालेंगे। इन्होंने डाला हुआ है जो इन्होंने वही डाला हुआ है, इन्होंने सिर्फ स्टैंडर्ड एंड को अप किया हुआ है और सारी चीज़ें डाउन है, ठीक है, इतना समझ आता है। अब हम चलते हैं तीसरे वाले पिक पे। तीसरे वाले पिक में क्या है, ये जो क्रॉसिंग एंड है वो अप है, क्रॉसिंग एंड अप है, लेकिन डायरेक्शन कौन सी है, वो डायरेक्शन है बैक क्रॉसिंग हील्ड वाली डायरेक्शन है, ध्यान देने की ज़रूरत है। बैक क्रॉसिंग हील्ड का सेट कौन सा है जिसमें डाउप अप होता है, बैक क्रॉसिंग हील्ड अप होता है, फ्रंट क्रॉसिंग हील्ड डाउन होती है, और स्टैंडर्ड हील्ड डाउन होता है, ईजर भी डाउन होता है क्योंकि ओपन सेट बन रहा है, मतलब दूसरा वाला जो बॉटम डाउपिंग का दूसरा दूसरा वाला सेट है सिमिलर है, ये बॉटम डाउपिंग का दूसरा वाला सेट है उसके इक्विवेलेंट है, ये हमें समझ में आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम चौथे वाले पिक पे जाते हैं, तो चौथा वाला पिक इज इक्विवेलेंट टू सेकेंड नंबर ऑफ पिक। तो इसमें जो इस वाली वीव में जो अपना है ये अपनी लीनो वीव है, क्योंकि इसमें जो क्रॉसिंग दी गई है वो उसमें क्रॉसिंग हर पिक पे नहीं है, कुछ से पिक में स्टैंडर्ड एंड अप आए हैं, तो ये लीनो वीव है। ये अपनी जो नॉर्मली गॉस वीव है उसका फेब्रिक है, इसे हम देख सकते हैं जो हमने ऊपर डिजाइन समझी है। अब हम चलते हैं स्ट्राइप पैटर्न गॉज वीप का कॉम्बिनेशन विद अदर वीप के साथ, ये इम्पॉर्टेंट है और ध्यान देने की ज़रूरत है तभी समझ में आएगा। इसमें क्या रहता है, इसमें क्या रहता है कि नॉर्मली जो स्ट्राइप पैटर्न में रहता है कि साइड से प्लेन या ट्विल वीप रहेगी और बीच में जो गॉज फैब्रिक बनता है, ठीक है ना, जो साइड है साइड में प्लेन वीव है और बीच में गॉज फैब्रिक है, फिर इसके बाद फिर से प्लेन वीव है, फिर इसके बाद फिर से गॉज फैब्रिक है, और इसमें जो नंबर ऑफ एंड्स हैं वो किस हिसाब से डाले जाएंगे, एंड्स डाले जाएंगे कि जो पर स्प्लिट में दो एंड होंगे और हर स्प्लिट के बीच में एक स्प्लिट का गैप होगा गॉज फैब्रिक में, जो अपना स्प्लिट जिसे हम क्या कहते हैं डेंट,
हर डेंट में कैसा होगा, हर डेंट में दो एंड होंगे और उनके बीच में गैप होगा। गॉज फैब्रिक में क्या होगा, बीच में गैप होगा एक डेंट का सक्सेसिव रो के बीच में। फॉर एग्जांपल अगर हम दो रो लेते हैं, ये दो रो लेते हैं, तो ये दो जो एंड हैं स्टैंडर्ड क्रॉसिंग एंड, एक डेंट में गए, बीच में एक का गैप है, फिर इसके बाद स्टैंडर्ड क्रॉसिंग एंड का एक डेंट है, फिर गैप है एक डेंट का, फिर स्टैंडर्ड क्रॉसिंग एंड है, फिर एक डेंट का गैप है। और यहाँ पे ये जो प्लेन वीव बन रही है, प्लेन वीव के बगल में जब हम गॉज वीव को लेते हैं, तो इन दोनों के बीच में कोई भी गैप डेंट का गैप नहीं रखते हैं, ठीक है, ये ध्यान देने की ज़रूरत है। अब हमारा फैब्रिक कैसे बनेगा वो हम सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या है, अपना सबसे पहले चार हील्ड फ्रेम यूज होंगे, वो होंगे सबसे पहला डॉब वाला हील्ड फ्रेम है, ये बॉटम पे है, इसके बाद में ये फ्रंट क्रॉसिंग हील्ड वाला डेंट है, ये वाला अपना है बैक क्रॉसिंग हील्ड का डेंट, ये हील्ड है, ये अपना स्टैंडर्ड हील्ड है, फिर इसके बाद जो अपर पोर्शन में जो हमने हील्ड फ्रेम यूज किए हैं, अदर जो हील्ड फ्रेम यूज किए हैं वो हैं प्लेन फॉर्म के हील्ड फ्रेम हमने यूज किए हैं, जो प्लेन बीप बनाएंगे। अगर हम यहाँ देखें तो ये प्लेन बीप बनाएंगे, इन हील्ड फ्रेम को हमने यूज किया हुआ है, ऑल्दो इन्होंने जो प्लेन बीप